Hi guys, this is NK Rao from Junior Studies Channel. Don't make up try to build a professional logical study. तो आज हम डिस्कस करने वाले RRB सिकंदराबाद का जो मेन लिस्ट का, इससे पहले वेटिंग लिस्ट का जो कटअप था वो आ गया था, अब मेन लिस्ट का कटअप आ गया है जी। तो एक्चुअली RRB तो चलते हैं RRB सिकंदराबाद के मेन साइट पे। तो देखिए यहाँ पे RRB सिकंदराबाद का मेन साइट पे चलते हैं जी। यहाँ पे अगर आप जाइएगा मेन लिस्ट पे तो आपको रिजल्ट नहीं पता चलेगा कि कहाँ आया है कहाँ नहीं आया है, इसलिए मैं आपको RRB सिकंदराबाद के रिजल्ट वाले सेक्शन में ही मैं चलता हूँ और वहाँ पे देखते हैं जी। तो आज का अपडेट क्या है, आप देख सकते हैं कि 21/7 को क्या हुआ जी, कट ऑफ मार्क्स फॉर रेगुलर कैंडिडेट का मतलब क्या है जी, मेन लिस्ट की वैकेंसी का शॉर्टलिस्ट जो हुआ है डीबी मेडिकल का कट ऑफ है, और ये कट ऑफ मार्क्स एडिशनल कैंडिडेट यानी वेटिंग लिस्ट का है जो 19/7 को दिखा दिया गया था और मेन लिस्ट का आज दिखाया गया है। तो चलते हैं इसको जो ओपन करते हैं। तो देखिएगा इसमें ALP टेक्नीशियन के या PCM के सारे कैंडिडेट का क्या किया गया जी, कट ऑफ दिखाया गया है। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि जनरल SC ST OBC करके सबका कट ऑफ दिखाया गया और टेक्नीशियन वाइज कि पेंटर का ये है, देखिए पेंटर का इसमें 52 है और ये पाइप फिटर का देखिए 64 है। जनरल में मैं बताना चाह रहा हूँ, सिग्नल का देखिए क्या है जी, 90 हो गया है, टेलीकॉम का 91 हो गया है। तो देखिए सिग्नल एंड टेलीकॉम का आप भी जानते हैं कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट इलिजिबल थे, इसलिए इसका कट ऑफ हाई हो जाएगा। जिसमें बहुत सारे कम कैंडिडेट इलिजिबल होंगे उसका कट ऑफ क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जैसे देखिए वेल्डर वर्कशॉप क्या है, ITI वालों को ही लिया है, तो ये क्या है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड। और एक बात है कि जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड लो रहेगा उसमें क्या होगा जी, उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे तो उसका कट ऑफ हाई भी हो जाएगा, और जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा जी, हाई रहेगा तो उसमें कट ऑफ कम हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, चलिए ऐसे ही देखिए बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन का है जिसमें देखिए कट ऑफ हाई है, ELP से भी हाई है, किसी में कम है। ये देखिए यहाँ पे 87 है वर्कशॉप में ही। तो देखिए पोस्ट पे भी वेरी करता है और कैंडिडेट पे भी वेरी करता है, फिर से उस जोन की सीट कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। चलिए ELP का देख लेते हैं जी। तो ELP का है 73 और 74 यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें भी आपको दो जोन है, इसलिए जोन वाइज सॉरी डिवीजन वाइज जो दो डिवीजन है इसे डिवीजन वाइज दिखाया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं और आप लोग अपना वेटिंग लिस्ट और कट ऑफ लिस्ट देख लीजिए जी। तो यहाँ से सब क्लियर होता है। अब आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग बता रहे थे ITI करने पर आपको बहुत सारे लो कट ऑफ जाएगा, ये जाएगा। देखिए हर ट्रेड में नहीं गया है जी, हर ट्रेड में नहीं गया, किसी ट्रेड में गया है, लेकिन PCM वालों को तो ये आपको भी पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट इलिजिबल हैं और इसमें BTEC डिप्लोमा वाले ज़्यादा ही कैंडिडेट हैं, इसलिए इसका कट ऑफ हाई भी गया है और 81 बहुत ही हाई कट ऑफ है जी, यहाँ से देख सकते हैं। तो लेकिन ये देखा जाए ओवरऑल अगर देखा जाए तो ITI वालों को थोड़ा बहुत तो किसी ब्रांच में रिलैक्सेशन देखा जा सकता है। तो चलिए बस यही नोटिस देना था। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।